Hello to everyone. Welcome to Instant Study. Today we are going to learn picture composition. Picture description है farm. Look at this picture carefully. बच्चों इस picture को ध्यान से देखो. यह picture खेत की है जहाँ पर एक farmer खड़ा है और कई सारे animals हैं. Let's identify the things in the farm. बच्चों इस फार्म को देखिए, इसमें क्या क्या दिख रहे हैं. जैसे मुझे ट्री दिख रहा है, बर्न है, सन, हॉर्स, रैबिट, फार्मर, फील्ड, काउ, कैट, हैन, चिक्स एंड पिग है. तो चलो बच्चों इस पिक्चर के साथ हम कुछ सेंटेंस तैयार करते हैं. Let's write the sentence. इस पिक्चर को देखते हुए मैंने सेंटेंस लिखा है. First, this is a picture of a farm. Second, there are many farm animals in this picture. बच्चों देखो यहाँ कई सारे एनिमल्स हैं. जैसे Third, they are hens, chicks, a cow, a pig, a horse and a rabbit. Fourth है there is a barn in the farm. बच्चों बर्न का मतलब होता है फील्ड में एक रूम होता है, एक कमरा होता है जहाँ पर कुछ एनिमल्स को या फिर अनाज रखा जाता है, उसे बर्न कहते हैं. हिंदी में इसे खलियान कहा जाता है. फिफ्थ, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. सिक्स्थ, देयर इज अ बिग फील्ड. सेवेंथ, द फार्मर इज स्टैंडिंग ऑन द फील्ड. एट्थ, There is a big tree in the field. आओ बच्चों मेरे साथ साथ फिर से रिपीट करो. First है This is a picture of a farm. Second, There are many farm animal in this picture. Third, They are hen, chicks, a cow, a pig, a horse and a rabbit. Fourth, There is a barn in the farm. Fifth है द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. Sixth, देयर इज अ बिग फील्ड. Seventh, द फार्मर इज स्टैंडिंग ऑन द फील्ड. Eighth, देयर इज अ बिग ट्री इन द फील्ड. बच्चों इनके अलावा आप खुद से भी कुछ सेंटेंस तैयार कर सकते हैं. दिस इज द एंड ऑफ द लेसन. गुड बाय चिल्ड्रन, स्टे सेफ एंड Please don't forget like, share and subscribe.